लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा एक्शन, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है। चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए हैं उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। चुनाव आयोग का कहना है कि एक्शन चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए किया गया है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से कड़ा संदेश जाता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सभी को समान अवसर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को भी हटा दिया गया है। वहीं मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के डीएडी सचिव को भी हटाया गया है। बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 16 मार्च को चुनावी शेड्यूल जारी कर निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से खास अपील की थी और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आग्रह किया था। उन्होंने बताया था कि एक वोटर अपने एपिक नंबर से बूथ की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बता दें कि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा फेज 20 मई, छठवां फेज 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। देश भर में कब कब और कहां कहां होंगे चुनाव? पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 10 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 4 राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान सम्पन्न हो जाएगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान पूरा हो जाएगा। पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 3 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के साथ 2 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पत्रिका के लिए कृपा शंकर शर्मा की रिपोर्ट।